हेलो क्रिप्टो बडी, कैसे हैं? और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक प्लेटफॉर्म के बारे में जिसका नाम है whales.loans। क्या है ये प्रोजेक्ट, कैसे काम करता है ये प्रोजेक्ट, और कैसे ये एक डीफी के सिस्टम को यानी कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के सिस्टम को एक सिक्योरिटी देता है, और जो इन्वेस्टर हैं जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं या यहाँ पे स्टेकिंग करते हैं कैसे उनको बेनिफिट्स यहाँ से मिलते हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस एक वीडियो में। तो अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही जो घंटा आपको देख रहा है उसको भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हम इस तरीके के वीडियो आप लोगों के लेके आते रहें तो वो एक बेल नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो इस टाइम पे हम इस वेबसाइट के ऊपर, ये इसका एक लैंडिंग पेज है जहां पे आप देख सकते हैं इन्होंने लिखा हुआ है हम्प, जो इनका एक गवर्नेंस टोकन है जिसकी वैल्यू इस टाइम है $3.53। यहां पे इसकी सर्कुलेशन सप्लाई आप देख सकते हैं, टोटल 84,080 टोकन है, रीबेस टोकन है, तो इसका भी आपको फायदा यहां पे मिलेगा, वो आप देख सकते हैं एच हम्प के नाम से है जो रीबेस होने के बाद आपको टोकन मिलता है। यहां पे बेकिंग प्राइस लिखा हुआ हम्प का $5.87, क्योंकि ये जो USDT आप यहां पे, ये BUSD या USDT होता है उससे ही बेक्ड होता है, जो सारी डिटेल हम आपके आगे बताएंगे। लेकिन यहां पे आप APY देख सकते हैं $23,400 की यहां पे आपको APY मिलती है। और डीप डाइव करते हैं, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स में। आप क्लिक करेंगे यहां पे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, तो एक बहुत बेटर तरीके से इन्होंने हर एक चीज़ को एक फाइल के अंदर बताया है। आप यहाँ पे आते हैं whales.loan के ऊपर, जहाँ पे आप स्टडी कर सकते हैं कि ये एक तरीके का वेंचर है जो फोकस करता है और डिज़ाइन करता है कि इसको स्केल प्रॉपर तरीके से स्केलिंग है इस प्रोजेक्ट की, और दूसरी तरीके से ये इकोसिस्टम को डिफेंड करता है जहाँ पे जो लोग हैं उनका लॉस नहीं होता, इन्वेस्टर का लॉस यहाँ पे नहीं होता। और लेमन लैंग्वेज में लिखते हैं कि इन टर्म्स हम एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा ईजी बटन बनाना चाहते हैं जो यूज़र हैं उसके लिए बहुत फ्रेंडली हो, बहुत इजी हो। आगे यहाँ पे आप लिखते हैं कि हाउ टू पार्टिसिपेट, आप पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट कैटेगरीज मिल जाएंगी जब आप इनके मेन लैंडिंग पेज के ऊपर आएंगे। वहाँ पे आप यहाँ पे स्टेक कर सकते हैं, यहाँ पे बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, उसके बेनिफिट आपको कैसे होंगे, यहाँ पे वॉलेट्स हैं इसकी भी डिटेल आपको यहाँ पे देंगे। तो इस तरीके की फैसिलिटीज़ यहाँ पे आपको मिल जाती हैं, और यहाँ पे एक तरीके से ट्रेड होता है जो भी फंड यहाँ पे है, यहाँ पे दे सकते हैं। इन द बैकग्राउंड द वॉलेट्स इन्वेस्ट फंड्स डायनेमिकली एंड नॉन चेन इन अ डेल्टा नेचर पोजिशन बिटवीन बुल मार्क टोकन्स 3x लेवरेज एंड बियर 3x लेवरेज। तो दोनों ही तरीके से जब यहाँ पे ये ट्रेड होता है तो डेफिनेटली मार्केट अप एंड डाउन करेगी, तो आपको यहाँ पे रेगुलर उसके बेनिफिट्स मिलते रहते हैं जो अपनी कम्युनिटी में जो स्टेक करने वाले हैं या LPs प्रोवाइड करने वाले हैं उनके बीच में रेगुलर बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं। अब आते हैं फ्लैश मिंटिंग के ऊपर। फ्लैश मिंटिंग की डिटेल्स आप यहाँ पे स्टडी कर पाएंगे। फ्लैश मिंटिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फॉर ERC20 एंड BEP20 टोकन्स अलाउ anyone टू मिंट एन आर्बिट्री नंबर ऑफ न्यू टोकन्स इनटू देयर वॉलेट पेंडिंग द मिंटर बर्न एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टोकन्स बिफोर द एंड ऑफ द ट्रांजैक्शन। तो ये एक डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी इनका जो मिंटिंग सिस्टम है उसके बारे में। एसेट्स बेक्ड टोकन्स यहाँ पे लिखा है, एसेट्स बेक्ड टोकन्स आर 1:1 बेक्ड एंड ट्रेजरी रिमंडेबल फॉर सम अदर एसेट्स। तो यहाँ पे जो टोकन्स की बेकिंग होती है वो 1:1 की बेसिस के ऊपर होती है, जो अगेन अपने आप में एक बैलेंस बनाए रखता है। आगे जाएंगे, यूजर्स इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है, द लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स, तो जो लिक्विडिटी प्रोवाइड कराने वाले हैं उनके बेनिफिट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। गिव्स LPs द राइट्स टू 75% ऑफ ऑल द ऑर्गेनाइजेशन फीस, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन की टोटल फीस है उसका 75% यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है LP प्रोवाइड करवाने वाले को, एंड 20% ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द लिक्विडिटी बोर्ड्स, जो लिक्विडेशन की बोर्ड्स हैं उनको 25% चला जाता है। उसके बाद फॉर ट्रेडर्स के लिए लिखा हुआ है, जहाँ पे उनको ट्रेडिंग के फीस जो है उसके अंदर काफ़ी अच्छा मार्जिन मिल जाता है, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारा इन्होंने एक चार्ट प्रॉपर तरीके से दिया हुआ है। इसके बाद अगर आप डेवलपर्स हैं तो डेवलपर्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है, आप इनकी कोडिंग्स जो हैं वो सारी कोडिंग्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं अगर आप डेवलपर हैं तो। एक तरीके से ओपन सोर्स रखा हुआ है, हर एक पर्सन यहाँ पे आके सब कुछ चेक कर सकता है। उसके बाद ये डिटेल्स दिखाते हैं अपने हम्प टोकन के बारे में। द हम्प टोकन इज़ अ फोर्क ऑफ द ओलंपस डाओ टोकन, तो ये ओलंपस डाओ टोकन का एक फोर्क है OHM का। इट इज़ द करेंसी दैट प्रोवाइड्स द होल लोन्स इकोसिस्टम, तो जो ये एक whales.loan सिस्टम है इसको इकोसिस्टम को पावर प्रोवाइड करवाता है इनका ये टोकन जिसका नाम है हम्प। कैसे आप खरीद सकते हैं, क्या इसके बेनिफिट होंगे वो भी अभी आपको दिखाएंगे। हम्प इज अ फ्री फ्लोटिंग करेंसी बेक्ड ऑफ आवर ट्रेजरी सप्लाई ऑफ द स्टेबल क्वाइन BUSD, तो यहाँ पे जो BUSD है उसके
से मिंट होता है हम्प टोकन। हम्प टोकन कैनॉट बी मिंटेड और बर्नड बाय एनीवन एक्सपेक्ट द प्रोटोकॉल। तो हम्प टोकन जो है उसकी जो बर्निंग स्ट्रेटेजी है वो टोटल प्रोटोकॉल हैंडल करता है, कोई इंडिविजुअल पर्सन हैंडल यहाँ नहीं करता। द प्रोटोकॉल ओनली डज सो इज रिस्पॉन्स टू प्राइस ईच हम्प इज बेक्ड बाय एट लीस्ट वन BUSD। तो एक हम्प एक BUSD से ही यहाँ पे बेक्ड होता है। ये डिटेल्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कम्प्लीटली। इसके बाद आता है यहाँ पे स्टेकिंग, कि आप यहाँ पे स्टेकिंग कैसे कर सकते हैं और स्टेकिंग के आपको बेनिफिट्स क्या होंगे। तो उसके लिए यहाँ पे आपको बॉन्ड भी दे रखे हैं कि अगर आप बॉन्ड्स खरीदना चाहें तो बॉन्ड्स के आपको बेनिफिट क्या होंगे। बॉन्डिंग इज द सेकेंडरी वैल्यू एक्चुअल स्ट्रेटजी ऑफ द वेल्स टोकन। इसके बाद यहाँ पे आपको आ जाएगा इनका रोड मैप। जिस रोड मैप में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं Q1 2022 के अंदर यहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट ये लोन लाने वाले हैं या अपने प्रोजेक्ट पे डेवलपमेंट करने वाले हैं, तो एक बहुत बेस्ट फ्यूचर इस यहाँ पे प्रोटोकॉल का यहाँ पे लगता है। तो मेन चीज़ है यह है कि कॉमन पर्सन यहाँ से कैसा पैसा कमा सकता है, तो कैसे आप अपने टोकन को यहाँ पे स्टेक कर सकते हैं, उसके लिए आपको आना पड़ेगा स्टेकिंग पे, और स्टेकिंग पे यहाँ पे आप अपने हम्प टोकन को स्टेक कर सकते हैं। बाय कैसे करेंगे उसके लिए देखिए यहाँ पे ऑप्शन है बाय ऑन पैनकेक स्वैप। आप क्लिक करेंगे बाय ऑन पैनकेक स्वैप के ऊपर, और पैनकेक स्वैप के ऊपर आपको अपने वॉलेट को यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा बायनान्स स्मार्ट चेन से। स्मार्ट चेन से कनेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे हम्प टोकन लिखा हुआ दिखाई देगा, एक टर्म और कंडीशन आएगी, आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और इम्पोर्ट आपने यहाँ पे कर लिया। तो आपने टोकन यहाँ इम्पोर्ट कर लिया। अब यहाँ पे आप किससे इस टोकन को खरीदना चाहते हैं वो करेंसी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे BNB सिलेक्ट करते हैं, और सपोज हम यहाँ लिखते हैं कि हमें 0.02 BNB का हम टोकन लेना है, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं 2.10 टोटल हम। आप करते हैं स्वैप, स्वैप करने के बाद कंफर्म स्वैप, और ये ट्रांजैक्शन जो है वो प्राइस अपडेटेड आप यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं। कंफर्म स्वैप एक्सेप्ट, यहाँ पे आपके पास आ चुका है एक मेटामास्क का नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन के ऊपर टोटल फीस लिखी होगी, आप कितना टोकन बाय कर रहे हैं उसका टोटल प्राइस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं 0.02 BUSD। और यहाँ पे हम देते हैं कंफर्मेशन यहाँ पे हो चुकी है। हम टोकन को मेटामास्क में ऐड करने की ऑप्शन आएगी, तो यहाँ पे आप इसको ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि जब टोकन आपके पास आएगा तो ये टोकन आपको यहाँ पे शो करेगा ऐड टोकन। ट्रांजैक्शन यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। अब हम यहाँ पे चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं क्या हम टोकन हमारे पास आ चुका है। तो इस तरीके से बहुत इजीली यहाँ से आप हम टोकन को बाय कर सकते हैं। एसेट्स, और यहाँ पे आपका हम टोकन थोड़ी देर में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो जैसे ही हम टोकन यहाँ पे आएगा, हम टोकन आने के बाद आप हम टोकन को स्टेक करेंगे, उसके लिए जाना पड़ेगा आपको वापस उनकी वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट पे यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आती है स्टेक। स्टेक के बाद यहाँ पे लिखा होता है कि आपने मैक्सिमम स्टेक करना है। क्लिक करेंगे तो जितना भी हम्प टोकन है वो ऑटोमेटिकली आपको शो करेगा यहाँ पे, क्योंकि हो सकता है अभी ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं आई और हम्प टोकन हमारे पास अभी नहीं आया। तो हम्प टोकन जैसे ही हमारे पास यहाँ पे आएगा उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे स्टेक, और स्टेक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे हम्प टोकन के एस हम्प मिलने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंगल स्टेक 4 hours 58 minutes टू नेक्स्ट रीबेस। तो जैसे ये नेक्स्ट रीबेस होगा आपके हम टोकन का, आपको स्टेक का जो प्राइसिंग है और जो बेनिफिट्स हैं वो यहाँ पे रेगुलर बेसिस के ऊपर मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अभी इनकी APY आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि APY जो है वो काफ़ी हायर लेवल के ऊपर चल रही है। इसलिए यहाँ पे अभी अगर आप स्टेक करते हैं तो उसका बेनिफिट आपको थोड़ा ज़्यादा लेवल के ऊपर मिल सकता है। इसके बाद यहाँ आते हैं बॉन्ड्स के ऊपर। बॉन्ड्स के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेजरी बैलेंस यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे आप बॉन्ड बाय करना चाहें तो वो भी बाय कर सकते हैं 14 डेज के लिए BUSD और USDC। तो यहाँ पे आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके बाद अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो कैलकुलेटर भी आपको यहाँ पे मिलेगा। जैसे हम प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है करंट प्राइस, हम परचेज प्राइस लिखा हुआ है 3.52 करंटली, रिवॉर्ड आपको मिलेगा 23,400 का जो अभी APR चल रही है। तो अगर आप यहाँ पे लिखते हैं कि आपके 100 S humps यहाँ पे हैं तो योर आप 30 डेज के लिए अगर यहाँ पे उसको रखते हैं एक महीने के लिए, तो आपके 352 प्लस करंट वेल्थ 352 हम्प रिवॉर्ड एस्टिमेशन इन्होंने लिखा है 2286, तो टोटल यहाँ पे आपको $804 का
जो रिटर्न्स है वो एक महीने के अंदर मिल सकता है। तो ये है वेल्स डॉट लोन्स के बारे के अंदर। यहाँ पे आप हम टोकन को बड़ा इजीली स्टेक कर सकते हैं। कुछ और इन्फॉर्मेशन इनकी है, उसके लिए आप जा सकते हैं रेगुलर बेसिस पे इनके ट्विटर के ऊपर, जहाँ पे ट्विटर की इनकी रेगुलर इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। हाल ही में इन्होंने एक छोटा सा इवेंट भी ऑर्गेनाइज किया है, जिसके अंदर ये कहते हैं कि अगर आप बाय हम्प टोकन को पैनकेक स्वैप से बाय करते हैं, और बाय करने के बाद आप यहाँ पे लाने के बाद उसको वेल डॉट लोन्स की वेबसाइट के ऊपर स्टेक करते हैं, और वहाँ पे जो एक इन्होंने क्वाइट डाली हुई है उसको रीट्वीट करते हैं अपने एड्रेस के साथ, तो 10 लकी विनर को वहाँ पे हम्प टोकन्स भी मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है इस एक प्रोजेक्ट के बारे में। उम्मीद है ये प्रोजेक्ट आपको पसंद आया होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में जो CDFi के ऊपर आने वाला है। आप जानते हैं हमने आपको CDFi के बारे में काफ़ी बारी बताया हुआ है कि इनका जो टोकन है अगर आप उसको स्टेक करते हैं तो आपको चांसेस मिलते हैं। जो नए प्रोजेक्ट आने वाले हैं, जो भी आइडियोज़ यहाँ पे आते हैं या जो भी गेमिंग के प्रोजेक्ट आते हैं, उसके अंदर आप लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसकी डिटेलिंग सारी यहाँ पे दी हुई है। व्हाट इज़ CDFi बिफोर गेटिंग स्टार्टेड, लेट्स डिग इन टू द CDFi एंड व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर। तो यहाँ पे आप ये सारी चीज़ें स्टडी कर सकते हैं। जैसे जैसे आप इनके टोकन को स्टेक करते हैं तो आपको यहाँ पे एक चांस मिल जाता है, हाइयर चांस मिल जाता है आने वाले पूल्स में पार्टिसिपेट करने का। तो आज हम बात करने वाले हैं मेटावर्स वियर के बारे में। ये मेटावर्स वियर क्या प्रोजेक्ट है जो 5 दिन के बाद आने वाला है यहाँ पे, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करेंगे। द फैशन ब्रिज बिटवीन रियल वर्ल्ड एंड मेटावर्स। व्हाट इज मेटावर्स? मेटावर्स इज एन इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग होल स्केल सर्विसेज फॉर द फैशन प्रोडक्ट। सो जैसा आप और हम सब लोग जानते हैं कि फैशन वर्ल्ड दुनिया में जैसे जैसे बदल रही है दुनिया, उस हिसाब से फैशन वर्ल्ड भी बदल रहा है। और अब वो जो फैशन वर्ल्ड है वो आ चुका है मेटावर्स के ऊपर। यहाँ पे मेटावियर की अगर हम बात करके चलें तो आप देख सकते हैं द फैशन ब्रिज बिटवीन द रियल वर्ल्ड एंड मेटावर्स इन द $3 trillion इंडस्ट्री है आज की डेट में इन चीज़ों की, फैशन इंडस्ट्री की। तो यहाँ पे इस एक प्रोजेक्ट की डिटेल्स को आप प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं, कौन कौन से ब्रांड्स इनके साथ एसोसिएटेड हैं, और ये जितने भी ब्रांड इनके साथ एसोसिएटेड है अगर इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको एक्सप्लेन करके बताएं तो NFT 2.0 वियरेबल क्लोथ्स एंड स्किन जो है वो ये लाने वाले हैं। मेटावर्स फैशन शो इन फ्यूचर ये लॉन्च करने वाले हैं। इसके साथ ही एक वर्चुअल तरीके से शॉपिंग मॉल्स ये लेके आने वाले हैं जहाँ पे बहुत सारे ब्रांड होंगे। एक रफली आइडिया जो 197 टॉप फैशन ब्रांड जो हैं उनके स्टोर्स यहाँ पे होंगे जहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। वियर NFT क्लोथ्स एंड वियरेबल क्लोथ्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। फ्रेंचाइजी ट्रांसफ़र इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ऑफिसेज़ वहाँ पे होंगे जहाँ पे लोग फिज़िकली जैसे अपने अवतार बनाते हैं वहाँ पे जा सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, फैशन शो को देख सकते हैं। डिज़ाइनिंग अकेडमी यहाँ पे होगी जहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो क्लोथ्स हैं वो सारे के सारे डिज़ाइनिंग आ जाएंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस एक वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी। इसके साथ साथ ही ये कैसे जैसा हमने आपको बताया कि CDFi के ऊपर लॉन्च होने वाला है प्रोजेक्ट, तो CDFi के ऊपर आएगा ये करीबन 22 तारीख को, और 5 days 5 hours यहाँ पे आप countdown देख सकते हैं, और BUSD से आप इसको buy कर पाएंगे। जो एक rough idea अगर आपको बता दें तो इसका listing price जो एक information है वो 0.005 के हिसाब से एक listing price इसका आ सकता है। और जो यहाँ पे ये टोकन आने वाला है उसका नाम है WEAR। BSE स्मार्ट चेन के ऊपर है। 500 करोड़ की इसकी सर्कुलेशन सप्लाई है। इनिशियल मार्केट कैप है 4,31,250 का, और लिस्टिंग डेट है इसकी 22 मार्च की। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस प्रोजेक्ट में तो आपके पास 5 दिन का टाइम है जब आप अच्छी तरीके से इस प्रोजेक्ट को स्टडी कर सकते हैं। स्टडी करने के बाद अगर आपको लगता है कि वाकई में ये एक फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट होने वाला है तो CDFi के ऊपर आके आप ये बाय कर सकते हैं जब ये 22 तारीख को यहाँ पे लॉन्च होने वाला है। और इसका स्ट्रेटेजिक राउंड अगर आपको बता दें तो इसका वेस्टिंग पीरियड है 10% ऑन TGE, 30 days लॉक पीरियड है, देन डेली इसकी वेस्टिंग निकलेगी 14 months तक 6.43% के हिसाब से। स्ट्रेटेजिक राउंड का जो प्राइस होगा वो $0.004 का होगा, यानी कि इसका जो स्ट्रेटेजी राउंड है उसमें जो आपको टोकन मिलेगा वो $0.004 के हिसाब से मिलेगा। तो ये एक दो इन्फॉर्मेशन थी दो प्रोजेक्ट के बारे में। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी आप दबा सकते हैं क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेशन भाई आपको देता रहता है। और साथ ही हमारे जो सोशल मीडिया
कीजिएगा है, हमारे ट्विटर है, हमारे टेलीग्राम चैनल है, उनके लिंक भी इस वीडियो की डिटेल में है, तो भाई को वहाँ पे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि भाई आपको टाइम टाइम के ऊपर कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन देता रहता है, ट्रेडिंग के फ्री टिप्स देता रहता है, जहाँ पे आप एक बहुत मोटे लेवल पे पैसा भी बना सकते हैं। तो अगला वीडियो आपके लोगों के लिए लेके आएंगे, तब तक के लिए वेब मास्टरमाइंड की सारी टीम की तरफ से गुड बाय।